आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बताए न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। गर्मी बने मौसमी सिस्टम, हरियाणा और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी कोंकण और गोवा के ऊपर बना हुआ है और इस चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र से विदर्भ और छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड तक एक तरफ रेखा बनी हुई है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आई है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इन राज्यों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी गईं। गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और हिमपात हुआ। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी संभव हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बिहार, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा संभव है। मध्य और पूर्व भारत के न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.